जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो इकोनॉमिक्स से हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे, तो एक तो हम लोगों ने तीन पढ़ लिया था, एक आपके जो रेंज के आधार पे जो आपके इन्फ्लेशन थे तीन, आज हम लोग बात करेंगे अदर वेरिएंट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के और भी प्रकार। ठीक है, तो पहला है आपका बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ठीक है, गत्यावरोधी मुद्रास्फीति। ठीक है, देखिए ये जो आपका इन्फ्लेशन है बॉटल नेक इन्फ्लेशन कब आता है, जब सप्लाई डाउन हो जाए। ठीक है, यानी कि जब आपका किसी भी इकोनॉमी में जो आपकी आपूर्ति है, सप्लाई है, वो डाउन हो जाए, यानी कि आपूर्ति गिर जाए। मतलब कहने का मतलब है कि डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, आपका डिमांड इंक्रीज कर जाए, यानी कि आपकी सप्लाई डाउन होगी, डिमांड वही रहे, उसी मांग पे डिमांड आपकी जो थी वही बनी रहे, बट आपकी जो सप्लाई है, जो आपकी आपूर्ति है, वो नीचे चली जाए। मतलब कहने का मतलब है कि उस मार्केट में जो डिमांड थी वो डिमांड वही रहे, स्थिर रहे, बट सप्लाई नीचे चली जाए। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ बढ़ेगी तो वो दूसरा फैक्टर है, यहाँ पे डिमांड आपकी वही है लेकिन सप्लाई उससे भी नीचे चली जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन या गत्यावरोधी मुद्रास्फीति। व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली एंड द डिमांड रिमेन्स एट द सेम, मतलब डिमांड आपकी वही बनी रहे बट सप्लाई आपकी क्या हो, नीचे चली जाए, उसे हम लोग कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ठीक है, और ये जो आपका बॉटल नेक इन्फ्लेशन है ये आपका कब आता है, जब बहुत सारे उसमें रुकावटें हों, ठीक है, दिक्कतें हों या मिसमैनेजमेंट हो। ठीक है, तो इसे कहा जाता है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। और ये आपका इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, और इसके वजह से ये हम लोग रख सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। ठीक है, मांग जनित, जो आपके हमने इसके पहले पढ़ा था कि कुछ आपके डिमांड पुल होते हैं, कुछ सप्लाई होते हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट पुल होता है, तो इसे हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, यानी कि मांग जनित इन्फ्लेशन। जाहिर सी बात है कि सप्लाई जब नीचे जा रही है, डिमांड वही है, तो यानी कि आपका डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो इसे हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन में रख सकते हैं। और ऐसे इन्फ्लेशन से अगर हम लोग को निजात पाना है, कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन को अगर नीचे लाना है तो जाहिर सी बात है सप्लाई पे काम करना पड़ेगा, यानी कि सप्लाई हमें उस लेवल पे लाना पड़ेगा जिस लेवल पे डिमांड है। तो अगर डिमांड के लेवल पे हम सप्लाई को ला दें तो इस इन्फ्लेशन से हम लोग पार पा सकते हैं। अगला है आपका कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझिएगा। कोर इन्फ्लेशन जो आपका मतलब कोर इन्फ्लेशन आपका जो पता किया जाता है या इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी कि जो आपका माल, यानी कि जो सामान है या आपकी जो सेवाएं हैं, उनको या तो हम एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि उसे या तो हम बाहर करेंगे या इंक्लूड करेंगे, इनको जोड़ के या इनको घटा के हम कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका एक वेस्टर्न थियरी है। ठीक है, इसमें जो आपके मेनली जो आपके फूड्स चीज़ें हो, जो आपके फूड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके खाना होना होता है या आपका जो एनर्जी होता है, इन चीज़ों को इकोनॉमी में ये सब जो चीज़ें होती हैं उनको इन्फ्लेशन काउंट करते समय इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन पता करने में इन दो फैक्टर को, इन दो चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, 2002 में भारत में ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी कोर इन्फ्लेशन काउंट करने की, लेकिन ये भारत को सूट नहीं करता है। बट 2015-16 के दौरान हम लोगों ने नया कोर इन्फ्लेशन शुरू किया, न्यू कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना शुरू किया। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेजर्ड बाय विच एक्सक्लूड फूड, फ्यूल, लाइट, ट्रांसपोर्ट एंड सॉरी लास्ट वाला ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोर इन्फ्लेशन के दौरान, जब हम भारत में 2015-16 के दौरान जब कोर इन्फ्लेशन काउंट करना शुरू किया गया, तो इसे मेनली कहा जाता है कि वेस्टर्न में आपके जो फूड्स होते हैं या जो आपके एनर्जी होती है, इनको बाहर रख के
कैलकुलेट किया जाता है, बट भारत में 2015-16 से न्यू कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया गया था, नए तरीके से कैलकुलेट किया जाना शुरू किया गया, जिसमें आपके फूड यानी आपके खाद्य सामग्री, जिसमें आपके फल फ्रूट जो भी आपके आते हैं, फ्यूल, ठीक है, ईंधन, लाइट, प्रकाश, ट्रांसपोर्ट, जो आपके ट्रांसपोर्ट और आपके जो कम्युनिकेशन है, संचार माध्यम, ये सब चीज़ें एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, यानी कि इन्हें इन्फ्लेशन काउंट करने से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। अभी 2 या 3 दिन पहले एक आज तक का न्यूज़ था कि भारत में जो इन्फ्लेशन है वो इस समय नीचे चला गया है, डाउन हो गया है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन नीचे गया, इन्फ्लेशन ऊपर गया, सरकार सिर्फ इतना बता देती है कि जो मुद्रास्फीति की दर है वो नीचे चली गई है, मुद्रास्फीति की जो दर है वो ऊपर चली गई है, गवर्नमेंट की तरफ से आंकड़ा आ जाता है, डाटा आ जाता है और न्यूज़ चैनल जो है वो बता देते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताते कि जो आपके इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया गया वो किस माध्यम से किया गया। ठीक है, अब आज जो आप देख रहे हैं महंगाई अपने चरम सीमा पर है, 200 रुपये आपका सरसों का तेल, सब्जियां उतनी महंगी हो गई हैं, पेट्रोल डीजल 100 को पार चले गए हैं, उतने होने के बावजूद भी अगर इन्फ्लेशन नीचे चला गया है तो आप इस चीज़ को देखकर समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन नीचे क्यों गया है। भैया जब उसमें फूड, फ्यूल, लाइट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को तुम जोड़बे नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन नीचे ही जाएगी। तो सरकार सिर्फ इतना बता देती है कि ये हमारा आंकड़ा है, न्यूज़ चैनल आंकड़ा बता देती है, लेकिन किस डाटा पे, किस चीज़ों पे उसे काउंट किया गया ये कोई नहीं बताता। ठीक है, तो ये तरीका है कि इन्फ्लेशन इस समय हमारा नीचे गया है। अब अगले टर्म से हम लोग, सॉरी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे कुछ ऐसे टर्म्स हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उस पर हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।